फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। दीवान पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल का शिक्षक वेतन न मिलने पर मौत की आगोश में चला गया। अब मुजफ्फरनगर में 32 साल के संदीप ने पत्नी की बीएड की फीस जमा न कर पाने पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बड़ी संख्या में पेरेंट्स फीस न देने की जिद पर अड़े हैं तो स्कूल प्रबंधन फीस जमा कराने के लिए हर दांव पेच अजमा रहा है। स्कूलों की संस्था सहोदय ने अब ऐलान कर दिया है कि जो बच्चे फीस जमा नहीं करेंगे उन्हें एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा या फिर फीस जमा करने वालों के ही बोर्ड में पंजीकरण के लिए नाम भेजे जाएंगे। यानी साफ है, यदि फीस जमा नहीं की तो बच्चे बोर्ड परीक्षा से वंचित कर दिए जाएंगे। फीस 30 सितंबर तक जमा करनी है। सरकार द्वारा कोई स्पष्ट गाइडलाइन जारी न होने के कारण अभिभावक फीस को लेकर पशुपेश में पड़े हुए हैं। इसके अलावा सहोदय ने फीस जमा न करने वाले छात्रों को टीसी न देने का भी निर्णय लिया है। साथ ही विद्यालय से कहा है कि बिना टीसी किसी नए छात्र को एडमिशन भी न दिया जाए। इस चौतरफा घेरेबंदी के बाद पेरेंट्स के पास फीस जमा कराने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं बचा दिखाई दे रहा है। हालांकि आज भी पब्लिक स्कूल अभिभावक संघ ने जिलाधिकारी कार्यालय को एक मांग पत्र दिया। संघ अध्यक्ष कपिल राज शर्मा ने बताया कि अभिभावकों की शिकायत पर शिक्षा सचिव ने 7 अप्रैल व 23 अप्रैल को आदेश जारी कर सभी स्कूलों को महामारी काल का शुल्क एक साथ न देने, वार्षिक शुल्क, यातायात शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क न देने व शुल्क न देने पर ऑनलाइन पढ़ाई व ऑनलाइन एग्जाम से वंचित न करने के निर्देश दिए थे। आरोप है कि बावजूद इसके 5 स्कूलों द्वारा 5 माह का शुल्क एक मुश्त देने का दबाव बनाया जा रहा है। शुल्क न देने पर ऑनलाइन पढ़ाई से हटाया जा रहा है। ट्यूशन के साथ अन्य मदों को भी जोड़कर शुल्क देने का दबाव बनाया जा रहा है। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।